है वो सब गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो इस एपिसोड में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे ये 3D फेस का ये जो मतलब हेड पूरा कंप्लीट मॉडल कैसे बनाते हैं ब्लेंडर में। तो एक बंदे ने दो तीन बार मेरे को कमेंट किया था कि ये एपिसोड बनाओ ट्यूटोरियल, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ। ब्लेंडर में काफ़ी ईजी है, कुछ ही मिनट में तुम लोग बना सकते हो अपना एक फेस, खुद का फेस का ये 3D मॉडल। तो ये मैं इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्किन टूल्स का जो फेस बिल्डर है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। स्किन टूल्स का फेस बिल्डर यूज़ करने वाला हूँ मैं, ये 15 डेज़ का तुम लोग को फ्री ट्रायल मिल जाएगा। मेरा 1 ईयर का ये मैंने लाइसेंस ले लिया, इसका एनुअल लाइसेंस परचेज किया। और तुम लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस, तो मेरे पास कुछ फुटेजेस नहीं थे, मेरे इसमें फुल फेस कवर नहीं हो रहे थे, तो पूरे अपने को क्या करना, तुम लोग क्या करना है, जो जिस फेस का मॉडल मतलब फेस का मॉडल बनाना चाहते हो रियलिस्टिक फोटो रियलिस्टिक, उसके तुम लोग इमेजेस ले लेना कुछ ही, जैसे पूरा 360 डिग्री में ले लेना इस फुटेज इस ये जो मैं इस जो ये जो मॉडल है इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए मैं क्या करूँगा, VLC प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ, उसमें तुम लोग स्क्रीनशॉट ईजी हो जाता है, सॉफ्टवेयर में डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में। तो इसमें कुछ नहीं है, शिफ्ट एस प्रेस करना तो एक फ्रेम हो गया, फिर थोड़ा सा आगे ऐसा और एक फ्रेम आ गया इस था, ऐसा करके तीन चार पूरे 360 में तुम लोग ले लेना। तुम लोग तो फ़ोन से शूट करके बना लेना, मैं ऐसे बस बेसिक बता देता हूँ कैसे। चार इमेजेस आ गए अपने पास, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू हेड करना है और यहाँ पे ऐड इमेजेस में जाके पूरे इमेजेस को मैं सिलेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। ओपन, पूरे इमेजेस आ गए अपने पास, ठीक है। तभी मैं एक एक सिंगल इमेजेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे ऑटो अलाइन क्लिक कर देना, तो देख सकते हो ऑटोमेटिकली अलाइन कर देता है। अभी खुद एडजस्ट कर लेना जैसा, क्योंकि जितना अच्छे से तुम लोग फेस को अलाइन करोगे उतना अच्छा टेक्चर भी आएगा, बीच में थोड़ा सा कट भी जा सकता है, इसलिए अच्छा पूरा 360 चाहिए, मतलब प्रॉपर चाहिए, पूरे एक एक साइड के एंगल के चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर तुम्हारा मेश बनेगा, उसी के थ्रू तुम्हारा टेक्चर भी एकदम रियलिस्टिक लगेगा, फोटो रियलिस्टिक जैसे बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये नेक वगैरह तुम लोग प्रॉपर सेट कर, जैसे मेरे को नेक की ज़रूरत नहीं है, तो तुम लोग एक काम करते हो, यहाँ पे मॉडल में आके यहाँ पे नेक को बंद कर सकते हो कुछ इस तरह से, तो काफ़ी ईजी रहेगा काम के लिए। अपना हेड भी इसका मतलब हेयर्स तो आने वाले नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्कैल्प वगैरह में ऐसे ही रहने देते हैं। चलो ठीक है, अपना बेसिक जो चाहिए ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये फर्स्ट फ्रेम सेट हो गया, अभी मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा, बस मैं भी ऑटो अलाइन कर दूंगा। अगर तुम्हारा मॉडल थोड़ा टिल्ट है तो इसमें से तुम लोग 45 डिग्री रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरह, देख सकते हो, ठीक है। तो ये इजी हो जाता है, फिर मैं ऑटो अलाइन कर दूंगा इसमें भी सेम एकदम बराबर, इसको फिर से मैच कर लेंगे कुछ इस तरह से, देख सकते हो काफ़ी ईजी हो जाता है ये टूल, ये ऐड ऑन की मदद से। किन टूल्स का जो ऐड ऑन है काफ़ी यूज़ है, तुम लोग पहले ट्रायल कर लो, अगर पसंद आए तो ज़रूर परचेस करना लाइसेंस ज़रूर, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और गाइस, जैसे तुम लोग को पता है मैं अभी ब्लेंडर में ही काम कर रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स सिनेमा 4D वगैरह थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेंडर में जो मज़ा आ रहा है मेरे को, बहुत ईजी हो रहा है काम, और एक तो सॉफ्टवेयर पूरा कम्प्लीटली फ्री है, तो इसलिए ज़रा आसानी हो जाता है काम में, और बहुत फास्ट रेंडर होता है, तो रेंडर के मामले में बेस्ट है, काम बहुत इजी हो जाता है। जैसे मेरे को पहले सिनेमा 4D में 3-4 दिन लगता है, वही सेम काम मैं आधे घंटे में कर लेता हूँ ब्लेंडर में, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरह से मैं ये कर रहा हूँ मैच। और गाइस, तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है अपना फेस का, ये हो गया, और एक है लास्ट, ठीक है, इसको भी कर लेता हूँ मैं, तो कुछ इस तरह से ये मैं मैच कर लूँगा। और गाइस, इसमें तुम लोग एक्सप्रेशन भी अलाउ कर सकते हो, जैसे कि ये देख सकते हो फेस का, फिर लॉक कर सकते हो आई लीड्स वगैरह, तो भी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये अपना मैच हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे टूल्स है, ऐड ऑन से, जिससे तुम लोग खुद का जो 3D मॉडल बना सकते हो, लेकिन मेरे को फेस बिल्डर का ये काफ़ी ईजी लगा। और भी है कुछ कैरेक्टर क्रिएटर करके कुछ, या कुछ तो भी एक ऐड ऑन या प्लगिंग है, उसका मैं बाद में देखता हूँ बनाने का, फिलहाल ये इससे काम चला लो तुम लोग, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो अपना ये मॉडल देख सकते हो, बेसिक मॉडल हो चुका है, नीचे का मैंने हाइड कर दिया था, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ये हाइड हो चुका है, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो काफ़ी ईजी हो गया। और ये अभी मैं क्या करूँगा, टेक्चर के लिए कुछ ना, टेक्चर में क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग में चेक कर लेना सब, ऐड सोर्स इमेजेस ऐड, इसके थ्रू ही वो टेक्चर को बैक कर लेता है, ठीक है। ओके पर क्रिएट टेक्चर करना, कुछ ही सेकंड में देख सकते हैं अपना टेक्चर आ चुका है, और ये बीच के बैक के इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे जो ये इमेजेस है इसमें देख सकते हो तुम लोग,
बैक के मेरे कुछ नहीं है डिटेल्स इसमें, तो उसी रीज़न की वजह से ये जो सॉफ्टवेयर है अपना वो बैक का जो टेक्चर है उसको निकाल नहीं पाया, वही रीज़न से दिखा रहा था मैं। ये देख सकते हो बैक होने का कुछ इस तरह ऐसा दिख रहा है, तो ये साइड का रह गया। तो या फिर तुम लोग फोटोशॉप में ये फाइल को सेव करके इसको क्लोन भी कर सकते हो, या फिर पूरा 360 निकाल लेना फ़ोटो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, देख सकते हो इसका रेंडर में मैं दिखाई दे रहा हूँ, देख सकते हो अभी मैं रेंडर करूँगा तो ये प्रॉपरली, ठीक है, देख सकते हो ये कुछ इस तरह से ये रेंडर के बाद दिखता है एकदम, तो अच्छा ही है, फिर भी ख़राब नहीं है, है कि नहीं, पता है इतने कम टाइम में बना दिया तुम लोगों ने, ये काफ़ी ईजी हो जाता है। राइट गाइस, तो बस इतना ही, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऑलराइट, सो पीस आउट।